अलग ही मजा है। आखिरकार पूरे यूनिवर्स में शांति फैल गई। अब ना कोई बुराई ना कोई हिंसा। जब लिटिल सिंह ने रावण को हराया था तब पूरे यूनिवर्स में शांति और उत्साह प्रकट हो गया था। काश ऐसे ही हमेशा शांति बनी रहे। ये क्या, ये यहाँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? ये भी खाली है और मेरे सारे पोर्टल खाली क्यों हो गए? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है किसी ने समय को बदलने की कोशिश करी है। मुझे देखना होगा ये क्या हुआ, कैसे हो गया। कुछ तो अजीब है, मुझे इस समय में जाके अजय को बचाना ही होगा। अजय, यहाँ से जाने का वक्त हो गया। ये सब क्या है? अजय, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रुक जाओ, पहली बात तो कि ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरा नाम अमांडा है अजय, और तुम मुझे एक टाइम ट्रैवलर भी कह सकते हो। झूठ, टाइम ट्रैवलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है। तुम कोई विलन हो जिसने मुझे किडनैप किया है। बताओ तुमने मेरे मिर्चे घर के साथ क्या किया, वरना ये शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये झूठ नहीं है, सच है। फिलहाल तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए, पूरा यूनिवर्स खतरे में है। अजय बस बहुत हो गया। आता माँ जी सटक ले। ये क्या, मेरा शुगर डैडी गायब कैसे हो गया? मैं तुम्हें वही तो समझाना चाहती हूँ लिटिल सिंघम, यूनिवर्स खतरे में है। तुम्हारा शेरदिल टैटू चोरी हो गया, किसी ने तुम्हारी शेरदिल शक्तियाँ खींच ली है। क्या, मेरी शेरदिल शक्तियाँ किसी ने खींच ली? लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? लिटिल सिंघम, ये सब हुआ है समय के साथ छेड़छाड़ करने से। तुम्हें पता है ना कि हम हिस्ट्री को कभी बदल नहीं सकते हैं। अगर हमने हिस्ट्री बदला तो आज का प्रेजेंट बिगड़ जाएगा, और यही हुआ है। लगता है किसी ने तुम्हारे पास्ट को बिगाड़ने की कोशिश करी है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हमें देखना होगा कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अजय, ये कल रात का समय है जब तुम सो रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मांडा कि ये सब कैसे मुमकिन है। लिटिल सिंघम, मैंने तुम्हें बताया तो मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। मेरे पास टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति है, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ टाइम को कंट्रोल कर सकती हूँ, उसे बिगाड़ना मेरे हाथ में नहीं है। अमांडा, वहाँ देखो, वहाँ पे कोई है। लगता है वही है लिटिल सिंघम जिसने टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं उसे कैसे हराऊंगा अमांडा, मेरे पास तो मेरी शेरदिल शक्ति है ही नहीं। मैंने कहा ना कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकती हूँ। लिटिल सिंघम, तुम्हें पता है कि तुम्हारी शेरदिल शक्तियाँ और कहाँ पे हो सकती है? हाँ, याद आया, शेर वंशी के पास, शेर महल में, वहाँ पे भी एक शेरदिल शक्ति है। लेकिन मैं वहाँ पे अभी नहीं जा सकता, सब कुछ तबाह हो गया। हाँ लिटिल सिंघम, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अभी पास्ट में नहीं, हमें पास्ट में जाना होगा। लिटिल सिंघम, वक्त आ गया है, तुम्हें जाना होगा अभी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बीते हुए कल में वापस आ गया। हे शेरदिल ज्वाला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, कृपा मेरे अंदर आओ और मुझे शक्ति प्रदान कर। आता माजी सटक ले। आखिरकार मुझे मेरी शक्तियां मिल ही गई। हे रुको, तुम शेरदिल ज्वाला अपने अंदर कैसे ले सकते हो? लिटिल सिंघम, तुम यहाँ? शेरदिल वंशी, मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर में किसी ने मेरी शेरदिल शक्ति चुरा ली है, इसलिए मुझे पास्ट में आके अपनी शक्ति लेनी पड़ी। यूनिवर्स खतरे में है शेरदिल वंशी, मुझे इन शक्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। तुम भविष्य से आए हो, तुम्हारी बातों में भरोसा किया, तुम इन शक्तियों को ले जा सकते हो। लिटिल सिंघम, मुझे उम्मीद है ये शक्तियाँ मैं आपको एक सेकेंड से पहले दे दूंगा। लिटिल सिंघम, आखिरकार तुमने अपनी शक्तियाँ ले ही ली वापस पास्ट में जाके। तुमने सही कहा अमांडा, लेकिन अभी मुझे उस वक्त में जाना होगा जिस वक्त में वो आदमी दिखा था। अमांडा, मुझे इस समय में भेज दो ताकि मैं ऐसे पकड़ सकूं। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा लिटिल सिंघम, मुझे उम्मीद है कि तुम जीत जाओगे। ये वो समय है जब मैं कल रात को सो रहा था। मुझे यहाँ छुप जाना चाहिए,
ताकि पता तो चले कि कल रात हुआ क्या था। मैं हूँ रोबोट, बदला बदला। रावण ये नहीं हो सकता। अपने उस हर दर्द का हिसाब लूंगा तुझसे लड़ से घाव, तुझे तेरे ही घर पे मारूंगा मैं। रुक जा रावण। हाँ लिटिल सिंघम, वहाँ पे भी लिटिल सिंघम, यहाँ पे भी लिटिल सिंघम, ये तेरी क्या माया है लिटिल सिंघम? तुझे तो मैंने हरा लिया था रावण, तो तू वापस कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है रावण, ये नामुमकिन है। तुझे क्या लगा तू मुझे कीड़े की तरह मसल देगा और ये महान लंकापति रावण मर जाएगा? तेरा अंत निकट है लिटिल सिंघम। मैं तुझसे हमेशा दो कदम आगे की सोचता हूँ लिटिल सिंघम, मेरे रास्ते में आने वाले लोगों का अंत होगा जैसे कि तू। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा, जो करने आया हूँ मैं वही करूंगा। सोलो लिटिल सिंघम, जितना सोना है सोलो, क्योंकि तेरा अंत आज ही होने वाला है। शेर दिल ज्वाला, मेरे अंत समा जा। अब हर जगह रावण का राज होगा, पूरी दुनिया पे। अलविदा लिटिल सिंघम। नहीं, तू इस तरह से नहीं जा सकता रावण। अमांडा, मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था। वो आदमी रावण था। हाँ लिटिल सिंघम, मैंने अपनी टाइम पोर्टल में सब कुछ देख लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे हरा दिया था ना। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मांडा। लेकिन फिर भी लिटिल सिंघम, तुमने तो उसे हरा दिया था। पूरी यूनिवर्स में शांति प्रकट हो गई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है किसी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करी है मांडा। एक रास्ता है, हमें टाइम पोर्टल में देखना होगा कि जब तुमने रावण को हराया था तो उसके बाद क्या हुआ था। हाँ तुमने सही कहा मांडा, ये वही वक्त है लिटिल सिंघम जब तुम वहाँ पे थे। शेर दिल ज्वाला की एक ही पुकार, वीरता की हो जीत, बुराई की हो हार। अब मेरे जाने का समय आ गया राम जी, क्या तुम पहले की गई गलती को फिर से दोहराना चाहते हो महाबली? कैसी पुरानी गलती? जब मैंने रावण का वध किया था, तब विभीषण ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए इस युग में रावण दोबारा जीवित हो गया। उसी प्रकार तुम भी रावण के शव को यहाँ छोड़ के जा रहे हो, तो इसके लिए क्या उपाय है राम जी? तुम्हें रावण के शव को एक मंत्र से कैद करना होगा, और वो मंत्र है ओम नीम स्वाहा, ओम नीम स्वाहा। रावण, ओम नीम स्वाहा, ओम नीम स्वाहा। आखिर पुण्य जीत गया, अब मेरे घर जाने का समय हो गया। अमांडा वो देखो, ये कौन है? क्या ये भूत है लिटिल सिंघम? ये भूत नहीं है, ये कोई असुर है, जिसे ये पहले से पता था कि मेरे और रावण के बीच लड़ाई होने वाली। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब मैं रावण से बात कर रहा था, तब मुझे ऐसा एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमारे अलावा भी कोई और है? लिटिल सिंघम, शायद से ये असुर भी टाइम ट्रेवल करता हो। इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए मुझे उसी समय में जाना होगा जब ये असुर यहाँ पर आया था। मुझे उम्मीद है लिटिल सिंघम कि तुम्हारी विजय होकर रहेगी। मायावी हूँ मैं, दरिद्र हूँ मैं। अब रावण के शव को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी मेरी है। रुक जा। ये किसने बोला? तू महाबली? अच्छा तो वो असुर तू ही है जिसने रावण को जिंदा किया था? जिंदा किया था या अभी जिंदा करने वाला हूँ बच्चे? हे भगवान, हमें इस संकट से बचाओ आप।
तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से मेरे राजा को हरा देगा? कितनी मुश्किल से मैंने बांध लिया भगवान विष्णु का रथ, कितनी मुश्किल से मैंने मारा और तूने उसे आजाद कर दिया। तुम और तुम्हारे उस भगवान विष्णु ने छल किया था रावण के साथ, कोई भी रावण को मार नहीं सकता, कोई भी नहीं। मेरे रास्ते में आने वाले लोगों को सिर्फ मौत मिलता है, मौत। ओम निम स्वाहा। मैं हूँ रावण। किसने जगाया मुझे, किसने जगाया? कैसे हैं आप लंकापति रावण? मैंने आपको जगाया है, मैं हूँ आपका दास, तरिद्र है मेरा नाम। उस महाबली लिटिल सिंघम और राम ने आपको बंदी बना दिया था रावण, एक मामूली बाण से आप मर गए, ऐसा कैसे संभव है रावण? रावण कोई कीड़ा नहीं, जो वो महाबली और वो राम उसे मसल दे। मेरे द्रौपासुर ने उस लिटिल सिंघम का अंत कब का कर दिया होता अगर बीच में वो राम ना आता तो। लेकिन मैंने अब ऐसी योजना बनाई है जिससे वो लिटिल सिंघम हमेशा याद रखेगा। मुझे पूरा यकीन है रावण सीधा मेरे घर पे गया होगा, इस दरिद्र को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमांडा, मुझे पता चल गया, वो असुर का नाम दरिद्र है। हाँ लिटिल सिंघम, जैसा नाम वैसा काम, उसने रावण को आजाद किया, इसका मतलब उसे आजाद करने का मंत्र पहले से पता था। सही कहा लिटिल सिंघम, ये पहेली अब धीरे धीरे सुलझती जा रही। हमें वो समय देखना होगा जब मैं रावण से बातें कर रहा था। वध कर सके, घमंड इंसान को कितना ही बेकार कर सकता है, इसके अच्छे उदाहरण तुम हो रावण। लिटिल सिंघम वो देखो दरिद्र वहाँ पे, शेर के पंजे से दरिद्र को अब कोई बचा नहीं पाएगा। वध कर सके, घमंड इंसान को कितना ही बेकार कर सकता है, इसके अच्छे उदाहरण तुम हो रावण। पुण्य की हार निश्चित है। तू, लेकिन तू तो वहां पे भी है यहाँ पे भी, तेरा खेल खत्म। मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लिटिल सिंघम उठो, तुम्हें उठना ही होगा। अमांडा, मैं हार गया। अमांडा, तुम्हें मेरे ऊपर उम्मीद थी लेकिन मैंने तुम्हारी उम्मीद भी तोड़ दी। लिटिल सिंघम, अभी हम हारे नहीं है, तुम शायद फिर से भूल रहे हो कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। अरे हाँ, अभी तक हम हारे नहीं है, इसका मतलब हमारे पास अभी भी मौका है। विलेंस ने चाल तो अच्छी चली लेकिन वो शायद भूल गए कि शेर शेर होता है। भले ही उन्होंने हमें 0 रन पे आउट कर दिया हो लेकिन अब नेक्स्ट बैट्समैन छक्के पे छक्के मारेगा और वो बैट्समैन मैं हूँ जो विलेंस का छक्के छुड़ाएगा और तब मौजी शतक ले। वक्त है दरिद्र को उसी के खेल में हराने का, लेकिन हमें कुछ तो सोचना होगा लिटिल सिंघम, वरना हम दरिद्र को नहीं हरा पाएंगे। तुमने सही कहा मांडा, मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पे आओ। हाँ, मुझे आइडिया समझ आ गया लिटिल सिंघम। जब मैंने रावण का वध किया था तब विभीषण ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए इस युग में रावण दोबारा जीवित हो गया। उसी प्रकार तुम भी रावण के शव को यहाँ छोड़ के जा रहे हो। एक बार मुझे वो मंत्र पता चल गया तो रावण आजाद हो जाएगा। अली अली अली, तुम्हें किसने समझाया नहीं, जब दो बड़े लोग बातें कर रहे हो तो उनकी बातें छुप के सुनते नहीं है। जब देखो तब तू यहाँ पे आ जा रहा है, इस पर तेरी कहानी खत्म कर दूंगा मैं। कहानी तो तेरी खत्म होगी। क्यों डर क्यों रहा है, शेर के मुक्के से डर लगता है क्या?
दरिद्र अब तू नहीं भाग पाएगा उल्टी गली जब ये शेर बोलेगा। माफ कर दे। अमांडा, जो मैंने तुमको प्लान बताया था उसे करने का वक्त आ गया। हाँ लिटिल सिंघम, मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मैं जहाँ पे पोर्टल खोलने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, इसलिए उसके थोड़ा सा दूर डिस्टेंस से पोर्टल खोलना पड़ेगा। मैं ब्लैक होल की ओर जा रहा हूँ। आखिरकार पुण्य जीत गया, अब मेरे घर जाने का समय हो गया। मैंने दरिद्र को हरा दिया, क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या मेरे दोस्त वापस आ गए? मुझे अमांडा से पूछना ही होगा। अमांडा, ये पोर्टल काला कैसे हो गया? लिटिल सिंघम, ये मेरे पास आखिरी पोर्टल था जिसकी मदद से मैंने दरिद्र को स्पेस में भेजा और तुम यहाँ आ पाए। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई पोर्टल नहीं बचा। कोशिश तो करो अमांडा, मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। देखा, ये पोर्टल भी खाली है लिटिल सिंघम। मेरी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, मिर्ची नगर को खो दिया, मैंने सबको खो दिया। ऐसा मत बोलो लिटिल सिंघम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिटिल सिंघम, सारे पोर्टल्स वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। मांडा, मेरी शेरदिल शक्तियाँ वापस आ गई, लेकिन क्या तुम मेरा आखिरी काम कर दोगी? हाँ, मुझे वो काम पता है, एक सेकंड से पहले कैसे मिल जाएगा। कहा था ना, एक सेकंड से पहले मिल जाएगा। ये सब क्या है? आखिरकार लिटिल सिंघम, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन हाँ, अब तुम्हारे लिए एक नया चैलेंजर शुरू होने वाला है। कैसे चैलेंजर्स अमांडा? तुमने इस बार देखा किस प्रकार से दुश्मनों का हमला करने का तरीका कितना अलग था, ऐसे ही दुश्मन का हमला हमेशा अलग होगा, तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। शेर हर चैलेंजर्स के लिए तैयार है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बस याद कर लेना लिटिल सिंघम। चलो ठीक है अमांडा, अब मेरे घर जाने का समय हो चुका है। आखिरकार जीत अच्छाई की हुई। ये मैं कहाँ भी हूँ? ब्लैक होल में हूँ क्या? अरे देखो तो, तू अपने आप को शेर समझता था और लिटिल सिंघम ने क्या हालत कर दिया तेरी। मेरे साथ हाथ मिला, मैं तेरे दुश्मन को खत्म कर दूंगा। अरे वाह, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अब होगा उस लिटिल सिंघम की बर्बादी। बिचौरे लिटिल सिंघम को लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसे नहीं पता मेरे बनाए जाल में वो फंस रहा है।